फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपसे एक ऐसी चीज शेयर करने जा रही हूं जो कि इस समय आपके घर में खूब ढेर सारी मात्रा में उपलब्ध होगी। जैसे ही इस ठंडक शुरू होती है, हम लोगों के घर मूंगफली आने लगती है। अब मूंगफली हम लोग बहुत जायका ले लेके खाते हैं चटनी के साथ, और उसके छिलके को हम वेस्ट जान के फेंक देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हम मल्चिंग में काम लाते हैं। लेकिन इसके इतने सारे गुण हैं कि आप जानेंगे तो चकित रह जाएंगे। ये हमारे गार्डन में कितनी फायदेमंद है, इसको कितने तरह से हम यूज कर सकते हैं, सारी विधि आपसे मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। फ्रेंड, मूंगफली तो हमने खा लिया, लेकिन छिलके को मैंने इकट्ठा करके रख दिया। और छिलके जो है, कोई कोई मूंगफली नमक में भुनी रहती है या रेत में भुनी रहती है, उसमें भी नमक मिला रहता है। तो नमक जैसा हम लोगों के पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, तो छिलके को हम अच्छी तरह से धुल लेंगे। देखिए, धुल के मैंने सुखा लिया इस पॉलीथीन पे। ये भी वही मूंगफली का छिलका है जो मैंने सुखा के रख लिया है, देखिए। और आधा मैंने सुखा के सूखने के लिए डाल दिया था सुबह। ये मेरी बिल्कुल सूख चुकी है मूंगफली के छिलके, बिल्कुल सूख गए हैं। और आधे को मैंने, आधे से थोड़ा कम मैंने, ये देखिए, भिगो दिया था, देखिए। तो मूंगफली में सारे तत्व पाए जाते हैं, जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो ये हमारे लिए प्रोटीन। कहते हैं मूंगफली गरीबों का बादाम होती है, तो बादाम में जितने गुण पाए जाते हैं उतने ही गुण हमारी मूंगफली में पाए जाते हैं। और मूंगफली के छिलके भी उतना ही गुणकारी होते हैं, उनमें भी सारे तत्व पाए जाते हैं। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे? एक तो हम सबसे पहले, हम लोग बहुत दिन से इसको यूज करते आए हैं। पहला तो इसको हम जब गमला अपना भरने लगते हैं तो गमले के अंदर हम लोग इसको नीचे डाल देते हैं, ड्रेनेज होल कवर हो जाता है, और इसको हम कि ये डिकम्पोज होके फर्टिलाइजर बन जाएगी। दूसरा हम लोग यूज करते हैं इसकी मल्चिंग करके, चाहे गर्मी का दिन हो चाहे ठंडी का, इस तरह से हम लोग मल्चिंग कर देते हैं अपने प्लांट में कि हमारे प्लांट को, प्लांट की मिट्टी पे सर्दी गर्मी का, चाहे सर्दी का सीजन हो तो सर्दी और गर्मी का असर ना पड़े, इस तरह से हम लोग मल्चिंग कर देते हैं। और तीसरा यह है कि इसको हम मिक्सी में पीस लें खूब अच्छे से सुखा के, और मिक्सी में हम पीस के इसको, और हल्का दरदरा पीस के, तो जैसे हम लोग मिट्टी में राइस हस्क मिलाते हैं, कोकोपीट मिलाते हैं, तो ये कोकोपीट का बहुत बढ़िया विकल्प होता है। इसको हल्का दरदरा क्रश करके, या ऐसे ही आप खूब धूप हो रही हो सूख के, और इसको आप बल्ब ऐसे किसी चीज़ से ऐसे क्रश कर देंगे, ऐसे ऐसे करके, तो ये टुकड़ों में हो जाएगी, तो इसको हम इस तरह से हो जाएगी, तो इसको हम मिट्टी में मिला देंगे, तो हमारी मिट्टी पोरस भी हो जाएगी और उपजाऊ भी हो जाएगी। या इसका फाइन पाउडर बना के हम फर्टिलाइजर के रूप में, जैसे सरसों खली बनाते हैं, सरसों पीस के सरसों को डालते हैं, वैसे इसको महीन फाइन पीस के मिक्सी में अपने गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं, जिससे कि इसके जो गुण हैं, तत्व हैं, पौष्टिक तत्व, वो हमारे गमले की मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाएं। और हमारे इसको डालने से आप देखेंगे, ये पानी जो मैंने बनाया है, ये देखिए, इसको आप छान लें, पानी पानी जो है इसके छिलकों को अलग कर लें, और इस तरह से पानी देखिए,
देख रहे हैं पानी जो है इस कलर का हो गया है। अब इस पानी को हम थोड़ा थोड़ा, जैसे मेरा रात रानी का पौधा है आप देख रहे हैं, बिल्कुल कलियों से एकदम भरा हुआ है। देखिए एकदम, ये वैसे भी जो है रात रानी के फूल रात में ही खिलते हैं, इसीलिए हम इसको रात रानी कहते हैं, बोलते हैं। और मेरा प्लांट बहुत दूर भर में है देखिए, और सब पूरा कलियों से, फूलों से, कलियों से भरा हुआ है देखिए। अब इसमें हम इसको, जो मैंने ये मूंगफली का पानी भिगोए थे कल 24 घंटे के लिए मैंने भिगो रखा था, अब इसको हम इस तरह से इसमें ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। ये इसी का परिणाम है देखिए, हमारे रात रानी में कितने फ्लावरिंग हुए हैं। तो फ्रेंड, मैंने आपको 5 तरीके बताए इसको यूज करने के, 5-6 तरीके। आप किसी भी तरीके से उपयोग करके, अरे बना के अपने गार्डन में इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से मूंगफली हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, और अपने पौधों को हम बदल बदल के हमेशा खाद देनी चाहिए। कभी भी एक खाद रेगुलर, कभी बनाना पील्स फर्टिलाइजर दीजिए, कभी मस्टर्ड के, कभी फलों के छिलकों को भिगो के उसका पानी, कभी सब्जियों का, कभी मूंगफली का। इस तरह से बदल बदल के देते रहेंगे तो हर तरह के, क्योंकि कोई भी तत्व तो हर चीज़ में नहीं पाया जाता है, हर एक चीज़ की अलग अलग अपनी विशेषता होती है, और उस तरह के उसमें तत्व पाए जाते हैं। तो आप अपने गार्डन में बदल बदल के खाद देंगे तो आपका गार्डन इस तरह से फूलों से भरा रहेगा, आपका गार्डन गुलजार होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड।